हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। इलेक्ट्रिकल मशीन एसएससी जेई के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आराम से आपका बैकग्राउंड हम लोग क्लियर करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताएंगे ताकि कोई और क्वेश्चन भी अगर उससे रिलेटेड आ जाए तो आप आराम से उसका आंसर दे सकें। बेसिकली हमारा जो पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको पूरा कंसेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो हम लोग ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन का भी आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, अगर ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड व्हेन आयरन लॉसेस आर 800 वाट, कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड विल बी। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में हाफ लोड माने यानी कि हाफ लोड, फुल लोड क्या होता है, हाफ लोड क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कोई आपके पास वोल्टेज है और आपके पास लोड लगा हुआ है 1 ओम का। ठीक है, आपसे किसी ने कहा कि लोड को डबल कर दो। लोड को डबल करना यानी कि लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं लोड को। तो आपने क्या किया, 1 ओम का रजिस्टर था, आपसे कहा कि लोड को डबल कर दो, तो आपने एक रजिस्टर पैरेलल में और लगा दिया। ठीक है, पहले केस में आपने करंट की वैल्यू निकाली तो वो आई 2 एम्पियर, लेकिन सेकंड केस में जब आपने लोड को डबल कर दिया, जब भी आपको लोड बढ़ाने की बात हो इसका मतलब क्या है कि आप पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आपने क्या किया, आपने एक 1 ओम का रजिस्टर और पैरेलल में लगा दिया, आपसे कहा गया कि लोड डबल कर दो। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये जो रजिस्टर का कुल टोटल रजिस्टर आया वो आया हाफ, तो हाफ ओम रजिस्टेंस आ गया। फिर आपने जब करंट की वैल्यू निकाली तो 4 एम्पियर आपकी करंट आ गई। ठीक है, इससे क्या हमें निष्कर्ष निकला, जब हम लोड को डबल कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी डबल हो जा रही है, और जब हम लोड को, अगर हमसे कहा गया है लोड आधा कर दो, तो अगर हम लोड को आधा करेंगे तो करंट की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो हमें कंक्लूजन मिल गया कि जब भी कोई कहे कि हाफ लोड, इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो आधी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, जब लोड डबल था तो करंट डबल हो गई, और जब लोड को आधा कर देंगे तो करंट भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक कॉन्क्लूज़न दिमाग में रखना है कि जब भी कोई कह रहा है कि लोड डबल हो गया, इसका मतलब करंट डबल हो गई, और जब भी कोई कह रहा है कि लोड आधा हो गया या 1/4 हो गया, तो करंट भी उतनी ही 1/4 हो जाएगी। ठीक है, आधा आधा बोलेगा तो आधा हो जाएगी, 1/4 बोलेगा तो 1/4 करंट हो जाएगी। तो इतना शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है फुल लोड पर। ठीक है, व्हेन आयरन लॉसेस आर 800 वाट, ये कह रहा है कि जब फुल लोड है तो आयरन लॉस आपके 800 वाट हैं। ठीक है, ये हाफ लोड पे आपसे क्या पूछ रहा है, कॉपर लॉस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की जब भी बात होती है, इसका मतलब होता है कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो, सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है मैक्सिमम एफिशिएंसी की जब आप बात हो तो आपको लिखना है कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है, आपको कॉपर लॉस होते हैं I²R losses, ये भी आपको पता होगा कि कॉपर लॉस होते हैं I²R losses। तो मैंने लिख लिया I²R इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। ठीक है, क्योंकि कॉपर लॉस I²R होते हैं और कॉपर लॉस के बराबर ही है आयरन लॉस। ये कह रहा है फुल लोड पर यानी कि करंट I है, फुल लोड पर जो कॉपर लॉस है वो कितना है, 800 वाट है। ठीक है, तो फुल लोड पर इतनी है। अब हाफ लोड पर उसने पूछा है, हाफ लोड पे उसने क्या पूछा आपसे, कॉपर लॉस। तो जब भी हाफ लोड हो गया, हाफ लोड यानी कि हाफ करंट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है,
तो जब भी आधे हाफ लोड के कारण जो करंट हो गया वो हाफ हो गया और न्यू जो कॉपर लॉस वो आया आई बाई टू का स्क्वायर आर आया, आई स्क्वायर आर बाई फोर आया। ठीक है, आपको फुल लोड कॉपर लॉस पता था पहले से, आई स्क्वायर आर पता था। ठीक है, तो आपने वैल्यू पुट करी 800 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आंसर हो गया 200 वाट। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, जब भी आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछे आप बोलेंगे कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, कॉपर लॉस होता आई स्क्वायर आर लॉस। अब देखिए इसमें आपसे कॉपर लॉस पूछा था, कॉपर लॉस एट हाफ लोड, तो कॉपर लॉस हाफ होने के कारण आपको पता होना चाहिए कि जब भी लोड हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो गई होगी। ठीक है, और आई स्क्वायर आर बाई फोर आ गया था आपका, आई स्क्वायर आर यानी कि फुल लोड पे आपको आयरन लॉस दिया हुआ है, फुल लोड पे आयरन लॉस दिया हुआ है, तो आयरन लॉस तो कॉपर लॉस के बराबर ही होता है क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन दी हुई हुई है, तो आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर ही होता है। तो आपको ये बताया गया है, टोटल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 200 वाट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन किस तरह की डीसी मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं क्रेन्स वगैरह के लिए, क्रेन्स वगैरह और इन सब के लिए कौन सी मोटर को प्रेफर करते हैं। तो जब भी देखो क्रेन्स की बात हो रही है, क्रेन्स या हॉइस्ट, इसका मतलब है कि हाई टॉर्क वाली चीज़ चाहिए आपको, हाई ऐसी मोटर जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो उसका हो वो हाई हो, हाई टॉर्क लगा सके, क्योंकि बहुत हैवी क्रेन्स वगैरह और हॉइस्ट वगैरह को जो भी बात चल रही है ये बहुत हैवी मटेरियल हैं। जब भी आपको ट्रैक्शन की यानी कि जब रेलवे की बात करी जाए या क्रेन्स की बात करी जाए, हॉस्ट की बात करी जाए, इसका मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई टॉर्क चाहिए आपको। ठीक है, जब भी आपको हाई टॉर्क चाहिए होता है तो आप हमेशा सीरीज मोटर को सिलेक्ट करते हैं, सीरीज मोटर और थ्री फेस इंडक्शन मोटर को आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर सीरीज मोटर नहीं होता और थ्री फेस इंडक्शन मोटर होता तो आप उसको टिक करते। जब भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात होती है, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि रेलवे में कौन सी मोटर यूज़ होती है, तो आप जब भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात होती है आप हमेशा सीरीज मोटर को टिक करेंगे, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है तो हमेशा आप आंसर देंगे संट मोटर। ठीक है, ये कम्यूटेटिव कंपाउंड जो मोटर होती है ये भी वैसे हाई टॉर्क के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन जब भी ऑप्शन में आपको कम्यूलेटिव कंपाउंड और सीरीज मोटर एक साथ दिखे तो हमेशा आप सीरीज मोटर को टिक करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर आपकी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं की जाती। तो बस एक की पॉइंट है इसका कि जब भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क जाने की, जब भी हैवी काम के बारे में बात हो रही हो तो हमेशा डीसी सीरीज मोटर टिक करेंगे, और जब भी आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सी मोटर यूज़ की जाती है तो आप संट मोटर को टिक करेंगे। संट मोटर जो होती है डीसी संट मोटर, वो उसका जो जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन यानी कि नो लोड टू फुल लोड, जैसे कि उस पर कोई नो लोड पर है और आपने उसको फुल लोड पे भी डाल दिया, उस पर लोड भी बढ़ा दिया, बहुत सारा लोड भी बढ़ा दिया, तब भी जो उसकी स्पीड में अंतर बहुत कम आएगा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड मोटर है। तो जब भी जहाँ भी आपको लगे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है, आप बताएंगे डीसी संट मोटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए सीरीज मोटर। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड की मोटर का इस्तेमाल क्या कब किया जाता है, जब आपको पेपर रोल करना हो, स्टील रोलिंग के लिए, ऐसी जगह ऐसी एप्लीकेशन के लिए जहाँ कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट है हम लोग संट मोटर का यूज़ करते हैं। तो ये की पॉइंट है, बार बार आता है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और आया है 2007 में कि अलग क्वेश्चन है सॉरी एक क्वेश्चन आया है कि ट्रैक्शन में हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। देखिए फॉर ट्रैक्शन वर्क, तो आप बताइए इसका, ट्रैक्शन वर्क यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है, तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा। फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज़ प्रेफर्ड, डीसी सीरीज मोटर यूज़ करेंगे, कौन सी मोटर यूज़ करेंगे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जब भी बात होती है, ट्रैक्शन की जब भी बात होती है, रेलवे की जब भी बात होती है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम लोग सीरीज मोटर को इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है। थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ये हम लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। अ ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग। तो जब भी वेल्डिंग की बात आती है, जब भी वेल्डिंग की बात आती है, आपके मन में एक विचार आना चाहिए, वेल्डिंग यानी कि हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वेल्डिंग यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट है, और हीट की रिक्वायरमेंट, हीट कैसे बढ़ेगी, जब करंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हीट इज इक्वल टू होती है आई स्क्वायर आर टी। तो जब भी करंट इंक्रीज करेगा आपकी हीट बढ़ेगी। ठीक है, जब भी हीट की रिक्वायरमेंट हो, इसका मतलब हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी जब भी आपके मन में, जब भी वेल्डिंग शब्द आता है, तो आपके मन में आना चाहिए करंट के बारे में। आप देखते होंगे कि कैसे हाई करंट उस टाइम पे फ्लो करता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत हाई करंट आना चाहिए, एसी वेल्डिंग, वेल्डिंग यानी कि हाई करंट, क्योंकि हीट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। तो हाई करंट आपको कब मिलेगा, जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है और करंट को हाई करता है। पावर आपकी सेम रहती है, बस क्या होता है, वोल्टेज को हम लोग डाउन कर लेते हैं और करंट हमारा हाई हो जाता है। जब भी वेल्डिंग की बात आती है, हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारी करंट को ज़्यादा करना। और करंट को ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके वोल्टेज को कम कर देंगे और करंट को ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो कई बार ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को। ठीक है, अब इतना सब क्लियर हो गया। जो भी आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई थिंक अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, फिर आगे वाली वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो से रिलेटेड जो डाउट हैं आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।